नमस्ते दोस्तों, नमस्ते अंगद। तू ऐसे आरसीबी फैन क्यों हुआ है भाई? तू तो दिल्ली वाला है। आज तुझे तो स्टैटिस्टिक प्लेजर मिलना चाहिए ना कि चलो एक टीम तो शायद दिल्ली से भी खराब परफॉर्म कर रही है। अच्छा हाँ, अरे यार अंगद, व्हाट इज दिस अंगद? अब आ रहा है, अब आ रहा है। दोबारा से एक करते हैं। हमारे बूम भाई है और एक हमारे बूमर भाई है। एक हमारे कौन से पहले कौन से भाई है? बूम भाई अच्छा बूम भाई। जिन्होंने आज परफॉर्म किया, और हम हैं बूमर भाई दोनों। यो बूमर, बूमर रिपोर्टिंग। बट भास्कर हाँ का सवाल तो आपने सुन लिया होगा, तो मैं ये बोल रहा था कि चलो देखो, एक तरफ तो वो फैंडम है, बट दूसरा मैं भास्कर ये कह रहा था कि आईपीएल शुरू होने से पहले हमने एक प्रीव्यू बनाया था जिसमें मैंने आरसीबी को चौथी पोजीशन पे डाला था, हाँ ठीक है? और टू बी ऑनेस्ट, उस पॉइंट पे भी इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक, इट वॉज बेस्ड ऑन इमोशन। आई जस्ट या फेल्ट लाइक, यू नो, वी आर पॉइंटिंग टू मेनी फ्लॉज, मे बी दिस इज वेयर द टीम वर्क्स, एंड आई करेक्ट रियली वॉन्ट मोर देन दिल्ली, आई वॉन्ट विराट कोहली टू लिफ्ट अ ट्रॉफी, ठीक है? सो ऑल ऑफ दोज इमोशंस आर देयर, बट अब मतलब अब लग रहा है कि लॉजिकली ज़्यादा सोचना चाहिए था। क्योंकि मेरा मतलब मैंने लखनऊ को आई थिंक नीचे करा था, KKR इज अनदर टीम जिसको नीचे करा था, और मैं लखनऊ को शायद ऊपर रखता थोड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था लखनऊ की टीम टॉप फोर वाली तो है। आई थिंक मैंने फिफ्थ रखा या सिक्स रखा, मुझे याद नहीं। बढ़िया। कोई बात नहीं यार, होता है। देख, कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम, और मंदार आरसीबी कह रहा, को अंगद भाई आपने ऑस्ट्रेलिया को भी वर्ल्ड कप में सेमीज में नहीं लिया था। हाँ, ये तो खैर मंदार ने अंगद लिखा हुआ है, मुझे लगता है कहीं उसके घर में जाऊंगा ना, अंगद मेरे अंगद मेरी ने एक फोटो नोट लगी हुई है, अंगद द वो गवार। पुरानी मूवी में ना एक छोटी लाल डायरी, उसमें विक्रम सब नोट कर रहे हैं मंदार कि अंगद ने ये कहा था, अंगद ने ये कहा था। भाई बोल रहे, अंगद भाई हैंग आउट कितने? हैंग आउट हम कल जा रहे हैं, और फिर मैं संडे मंडे ट्यूसडे, सैटरडे को मैं बट आई एम बैक फॉर अनदर शो। हाँ मेरा एक फ्रेंड है जो बुमराह के काफी क्लोज क्वार्टर्स में है, तो उसने मुझे बताया कि आज बुमराह को आफ्टर द परफॉर्मेंस उसे बोला कि तू जाके ना ओपन भी कर ले बैटिंग को, और तू जा थोड़े रन स्कोर कर ले। तो बुमराह ने बोला कि सर वीक टीम के खिलाफ स्कोर करके क्या फायदा, मना कर दिया उसने। डूड, मैं सर बैफल्ड था ना इनकी बॉलिंग देख के। ओके ओके, फाइटिंग स्कोर था, अच्छा खेलते तो शायद, देख नहीं, कम स्कोर फाइटिंग था। स्कोर तो नहीं था, मतलब ये तो बहुत ही क्लियर था बैंगलोर का कि जो भी है बैटिंग टीम को ही करना पड़ेगा। और आई हाँ मीन ऑनेस्टली, जिस तरह से मुंबई खेली वो तो छोड़, दे हैड टू हिट मोर देन 250 रन्स। दैट इज द काइंड ऑफ बॉलर यू हैव सेलेक्टेड। ऊपर से द वन बॉलर यू हैव सिराज, हु इज सपोज टू बी इन फॉर्म एंड एवरीथिंग, ही इज कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म। आउट ऑफ फॉर्म, क्या वो खराब बॉलिंग भी कर रहा है? मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग आउट ऑफ फॉर्म, हाँ एंड व्हाट आई मीन इज कि ऐसे भी नहीं था कि 160 का स्कोर है कि तुम कुछ नहीं करोगे जाके। बट द वे दीज गाइस स्टार्टेड, जिस तरह से उनको बॉल दे रहे थे ईशान किशन और रोहित शर्मा दोनों को, इट वाज पैथेटिक मैन। लाइक सिराज हमारा इंटरनेशनल बॉलर है, वो इंडिया खेल रहा है, और हम उसे उस पर बैंग करते हैं कि हाँ ये आके हमारे लिए विकेट लेगा। ही इज टोटली आउट ऑफ फॉर्म, या टोटली जितनी खराब बॉलिंग वो जिंदगी में कर सकता है ना सिराज अभी कर रहा है बैंगलोर के लिए आके। मे बी दिस इज अ वेकेशन फॉर हिम कि यार मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं लूंगा और तुम करो बॉलिंग। वो आई थिंक सिराज पूरी कोशिश कर रहा है कि ये रिटेन ना करें मेरे को, हाँ हो सकता है, कि बट ये फोन भी ना खड़काए कि सिराज हम सोच रहे हैं आपको थर्ड नहीं तो फोर्थ पोजीशन दे दो। सिराज बोले नो, तो सिराज पूरी उसकी तैयारी में। आई विल यार इंश्योर कि मतलब तुम्हें हाँ, वो टू निकाल दो। फिफ्टी चेज हो जाता, बट मेरा पॉइंट ये है कि उतना तो मिनिमम स्कोर तो चाहिए ना, तो तुम प्रेशर क्रिएट कर पाओ। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं होता कि 250 बना दो। 250 बनाना भी मतलब हर बार बहुत ही अनफेयर आस्क है टू द बैट्समैन। इट हैज टू बी बॉलिंग, एंड द प्रॉब्लम इज बॉलिंग तो दी नहीं थी। बॉलिंग तो दिसंबर में वीक थी। रहे सहे में जब आकाशदीप आया एंड एवरीवन आया, वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आया, जहाँ ऑफकोर्स तुम थोड़ा सा मतलब थोड़ा भी फॉल्टर करोगे
तो तुम चौके छक्कों के लिए जाओगे आराम से। यार तू आज भी देख ले, आई थिंक आज भी अगर इनकी मैं टीम देखूं तो सबसे कम इकोनॉमी वैशाख की थी, या ठीक है, सबसे कम इकोनॉमी, हाँ विशाख की 10.66 है एंड दैट इज द लीस्ट, सी ठीक है, अभी भी मतलब तुम विशाख को नहीं ब्लेम कर सकते, द ब्लेम इज दैट एवरीबडी एल्स इज जस्ट नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। अब तुम वहां पे कंपेयर कर मुंबई की बॉलिंग लाइनअप, पहले तो जसप्रीत बुमराह तो 6 के नीचे है, जसप्रीत तो अलग ही है यार, ठीक है, 21 रन श्रेयस और गोपाल, नहीं पांच नहीं विकेट भी है। हाँ 5 विकेट भी है, श्रेयस गोपाल मतलब एक जो वीकनेस थी इनके बहुत बड़ा, मैं पीयूष चावला का आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहा था, उनके पास एक रिप्लेसमेंट बैठा हुआ है श्रेयस गोपाल, आया पहले तो मुझे लगा इसको कोहली वोली के लिए रखा हुआ है, मैक्सवेल की तो उसने मतलब एज अ सिटिंग डक विकेट निकाली, और उसने भी 4 ओवर 32 ही दिए, या तो ये बहुत 8 ओवर में ही सारा मैच खत्म हो गया, क्योंकि 8 ओवर में तुमने कितने रन बनाए, 53 21 and 32, 53। यस क्या? यस एंड यू हैव लॉस्ट। एक तो मैक्सवेल गया था और ये 5 विकेट, ये तो 6 विकेट तो कम से कम इन दोनों ने ले लिया है। अरे श्रेयस अगर गोपाल मतलब वो विकेट से पहले भी जो उसने ओवर डाला था बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहा था वो, अबे मैक्सवेल को तो समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रहा है हाँ भाई। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैक्सवेल करने की क्या कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा स्कूल का लड़का है जिसको अभी अभी मौका मिला है कि अच्छा ठीक है देखते हैं। गुड, इट वॉज सच बैड बैटिंग बैंगलोर की तरफ से। लाइक वो पॉकेट्स में बहुत अच्छा खेले कि फैफ प्लेड वेल, डीके प्लेड वेल, रजत पाटीदार प्लेड रजत वेल, पाटीदार प्लेड रियली वेल, बट ऐसा नहीं हो एनर्जी सकता। एनर्जी का सब के मिलके अगर खेलेंगे तो वानखेड़े या बैंगलोर के विकेट्स पे तुम अच्छा स्कोर कर लोगे। ये ब्रिलियंट फिनिश बाय डीके के बाद यू हैव रीच 196, विच यू आर राइट कि इट शुड हैव बीन एटलीस्ट 220। या उसके नीचे तो कुछ भी नहीं है। एंड अगेन मतलब फिर यही होता है कि कॉन्वर्सेशन ना हमेशा कहीं और ही चला जाता है कि स्ट्राइक रेट वाज लेस, स्ट्राइक रेट वाज लेस। एक्चुअल प्रॉब्लम इज नॉट स्ट्राइक रेट, एक्चुअल प्रॉब्लम इज पीपल हु आर नॉट परफॉर्मिंग। नाउ आज कैमरन ग्रीन हटा, लेकिन मैक्सवेल क्या कर रहा है? मैक्सवेल इज अरे हाँ इन सॉरी देयर। सॉरी, वो गलती से मेरे से बीच में अलग से टैब खुल गया तो वो आ गया थोड़ा सा, सॉरी, हाँ मैक्सवेल इज इन देयर कि वो मतलब वो मिडल ऑर्डर में अच्छे रन मार सके। वो तो आज अभी तक चला ही नहीं। इट्स बिकम सो फ्रस्ट्रेटिंग नाउ एज अ आरसीबी फैन कि इस टीम को सपोर्ट कर रहे हो तुम। नहीं इस टीम को तो आज इस बार तो एक तो बॉलिंग है नहीं और वो बैटिंग तुम्हारी परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है, हाँ, बैटिंग बैटिंग तो, और बैटिंग में भी वो स्पेसिफिक लोग बार बार परफॉर्म नहीं कर पा रहे हाँ ग्लेन यार। मैक्सवेल का तो साल रहा ही नहीं, उल्टा तुमने उस चक्कर में अपना इम्पैक्ट सब भी वेस्ट कर लिया, एक बॉलर तुमने ले पाए सौरव चौहान को लेकर आए, सच में यार पता नहीं किस तरह से स्टार्ट करते हैं कि व्हाई कांट यू जस्ट हैव पहले बैट्स। खैर उन्होंने पहले बैट्समैन लिए थे, मैं देख रहा था, विद मैक्सवेल इनके पास टोटल 5 बॉलर थे द जो कि ये मोमेंट वाला ही। ठीक था लाइनअप बैटिंग के हिसाब से, हाँ, बट कहीं तो एक ऑलराउंडर चाहिए होगा, कहीं एक बैट बॉलर चाहिए होगा हु कैन मैक्सवेल इज बैट एन एंड बैट। ऑलराउंडर, मैक्सवेल ऑलराउंडर नहीं है, मैक्सवेल सिर्फ ऑफ स्पिनर है। मैक्सवेल को ऑलराउंडर बोलने की गलती मत करो। वो 4-5 पे आ जाता है वो दूसरी बात है, बट ही हैज नॉट परफॉर्म दिस सीजन। मतलब व्हाट आई मीन इज, जैसे देख हैदराबाद ने किया ना, हैदराबाद अपने यंगस्टर्स को लेके आया जो डोमेस्टिक अननोन प्लेयर्स थे एंड दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग रियली वेल। ऐसे ही कुछ लड़के, वन गाय आई नो इज मनोज भंडारे, ही इज सिटिंग इन देयर जो नीचे अच्छी बैटिंग कर लेता है। तुम करो ट्राई यार, तुम सदियों से सेम लाइनअप ट्राई करते हो, सदियों से हल्के हल्के चॉपिंग चेंजिंग करते रहते हो, बट जो लोग नॉन परफॉर्मर्स है उनको नहीं हटाते। जो आसान होता है ना कि अच्छा इसको हटा देंगे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, वही होता है। मतलब आई डोंट नो, दे टेक अ लॉट यार ऑफ सोशल मीडिया वेरी सीरियसली, आई नो तू प्रॉब्लम। आज बहुत पैशनेट है, बट मेरा तो मतलब मेरा मन भर गया भाई, बैंगलोर ने जो आज खेला है और जिस तरह से घुटने टेके, और मैं एक मुंबई के लिए भी कॉशन का नोट बोलना चाहता हूँ, आई नो मुंबई के फैंस बहुत एक्साइटेड होंगे, मुंबई अभी 2 मैचेस जीता है और उनसे जीता तो टेबल में उनके नीचे, ठीक है, ठीक है, हाँ मतलब वो 8 ओवर 53 के बाद भी 196 बन गए, हाँ, तो विच बारह इज ओवर नॉट में 140 बैड। लाइक अरे यार एक तो हाथ ऊपर रह जाता है, वो कोर्जी नहीं चल रहा है तुम्हारा, मडवल आई थिंक इस बारी थोड़े रन ज़्यादा पड़ रहे हैं, बट उसका वो रीज़न ये भी हो सकता है कि बुमराह को नहीं मार पा रहे तो लोग ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, अभी के लिए वो रिस्क काम आ रहा है, धीरे धीरे शायद विकेट्स भी आएंगी। ऑफ कोर्स, और वो जो मारा है स्पेसिफिकली वो दिनेश कार्तिक ने मारा था, तो ठीक है एक दिन तुम्हारा होता है कि एक बैट्समैन तुम्हें रीड कर लेता है, बट मधुवल का एग्जीक्यूशन इज प्रीटी गुड। अगर तू देखेगा ना
उसको वाइड यॉर्कर्स की बात हुई और वो कर रहा है वहां पे, ठीक है। कभी कभी तुम्हारा कॉमेंट्री में बोल ही रहते हैं कि दिनेश कार्तिक इज टू गुड विद वाइड यॉर्कर, उसको एक्चुअली पैर में डालो वो। एग्जैक्टली तो कभी कभी होता है, बट देन मडवल मुझे ऐसे नहीं लगा कि यार इतना बड़ा कंसर्न है। ज्यादा बड़े कंसर्न तो मुझे सिराज एंड आकाशदीप ये लग रहे हैं जो लेंथ बॉल दे रहे थे, जब पिट रहे हो तुम, जब तुम्हें पता है कि रोहित शर्मा और ईशान किशन तो मूड में ही आए हैं, तुम काहे उनको लेंथ दोगे भाई। मतलब भाई एंड का तो मैंने कि वो चौका जाते हुए देखा था, मुझे ऐसा लगा कि विराट कोहली ने बॉल को चेज करना ही छोड़ दिया कि छोड़ो पर है। अच्छा वो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो एंड तक तो खत्म ही हो गया था ना हाँ मैच, हाँ मतलब जान ही नहीं बची थी। तब भी शायद 15 रन चाहिए थे 6 ओवर में और समथिंग लाइक दैट, तब की बात हुई। नथिंग, उसको पता था 1 ओवर में बन जाने हैं 15 रन, काहे भाग भाग के अपना हैमस्ट्रिंग खिंचवा लो, कोई कोई मतलब नहीं है, जाने दो। लेट मी टेक द सुपर चैट्स वी हैव रिसीव्ड। कहाँ चले गए? हाँ, लोन बैटमैन जी ने बोला है, मी सपोर्टिंग आरसीबी टर्न इन टू अ स्टॉकहोम सिंड्रोम एट दिस पॉइंट। नो मैटर वॉट प्लेयर्स दे प्ले इन, इफ मैनेजमेंट डजेंट चेंज इज द स्टाइल ऑफ डीलिंग विद प्लेयर्स द सेम स्टोरी विल रिपीट। नवनीत भाई ने बोला, आरसीबी के मैच के बाद क्विनियंस पे जाने से भी डर लगता है, बट विल स्टिल गो बूम बूम बूमरा दो, बट आई हेट एम आई कमिंग बैक टू फॉर्म। और हैदराबादी हत्तेटा ने लिखा, हत्तेता ने लिखा है, आई वॉन्ट से वन थिंग, डू आर सी बी बॉलर्स नो द कंसेप्ट ऑफ स्लो बॉलिंग एंड टैक्टिकल बॉलिंग? थैंक्स टू डी के ही सेव्ड आवर एस, बट आई नेवर स्टॉप लविंग हिम टिल द डे आई डाई, नेवर स्टॉप लविंग देम टिल द डे आई। हाँ मतलब आई फील लाइक आर सी बी का द प्रॉब्लम इज जस्ट नॉट अ वॉट इज हैपनिंग ऑन द फील्ड, द प्रॉब्लम इज ऑल्सो हाउ द टीम इज बिंग सेटअप, वॉट इज द थॉट प्रोसेस, वॉट आर द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट आर हैपनिंग, एंड दैट्स द रीजन दे एंड अप लूजिंग। आई फील लाइक वो हंगर प्लेयर्स में नहीं, जो बाहर बैठे लोग हैं ना उनमें वो हंगर ही नहीं है टूर्नामेंट जीतने की। लाइक एम आई जब नहीं जीत रहा था, एम आई ने वो हंगर दिखाई। एम आई को भी कोई ज़रूरत नहीं है जीतने की भाई, पैसे की कोई ऐसा कमी है नहीं, वो भी अपनी ज़िंदगी जीते रहेंगे, उन्होंने ब्रांड ऐसा बना दिया है, सब पॉजिटिव है, खूब ब्रांड्स आ रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं उनके पास जो आर सी बी के पास है। बट एम आई ने एक हंगर दिखाई थी कि हमें जीतना है, और तू वो हंगर इस बात पे भी देख कि पिछले साल से इस साल में वो हार्दिक पांड्या को इंक्लूड करवाया, कि उन्होंने देखा हमारी क्या दिक्कत है, हमें हार्दिक पांड्या चाहिए, और उन्होंने जो भी चीजें करी घुमा फिरा के दे ब्रॉट हार्दिक पांड्या। मतलब एट एन एक्सपेंस कि पता था कि देख फैंस बहुत अच्छे रिएक्ट नहीं करेंगे उस पॉइंट, लेकिन वो लेके आए, वो लोग टीम को देख रहे हैं कि क्या सक्सेशन प्लानिंग है, क्या हमारी लास्ट ईयर वीकनेस रही। बैंगलोर तो पता नहीं, आई डोंट नो लास्ट टाइम एक अच्छा अटैक कब था इनके पास बॉलिंग का, और हम हर साल यही बात करते हैं कि शायद बैंगलोर इस बार ऑक्शन में जाएगा और कुछ अच्छे बॉलर्स लेके आए। अच्छे बॉलर्स पे तो बिड भी नहीं करते, बिड वो भी नहीं करते, लिटरली बिड और नहीं करते। दूसरा तुम्हारा माहौल भी क्या है, चहल को तुमने बोला था वी विल गो आफ्टर यू, तुम गए भी नहीं, एंड चहल ने तो पब्लिकली भी बोल दिया कि एक फोन तक नहीं आया। भाई वो मेरे को लगता है चहल की ही हाय लगी है, जिस दिन से उसको बाहर निकला डाउनफॉल तभी से स्टार्ट हुआ है। तो देख ले विकेट ही नहीं निकलते, उसके बाद विकेट निकलते ही नहीं है। आज भी व्हाट आई मेंट कि एक एक फाइटिंग स्कोर था 197 पे, मैं कम से कम ये देखता कि 5-6 विकेट गिर गए, 18 ओवर में जाके गेम जीते या 17 ओवर में जाके गेम जीते। इट वाज अ क्रूज, किसी भी कोई भी बॉलर ये नहीं लगा कि हाँ मैं आके विकेट लूंगा। अबे ऐसा तो है नहीं कि मुंबई के विकेट पे विकेट्स आती ही नहीं है, कोई तो तुम ऐसा कुछ करो, वेरिएशन लेके आओ, स्टेप अप करो। आई वॉन्ट सिराज टू स्टेप अप भाई, वही श्रीलंका थी तो किसी विकेट पे मतलब उसकी धज्जियां उड़ा दी थी उसने श्रीलंका की, कि आओ अभी यहाँ स्टेप अप करना यार, क्यों नहीं कर रहा। एक एक अच्छा स्पेल तो डाल के देखो, एक कहीं पे एक तकलीफ तो हो किसी को, किसी को किसी बैट्समैन को तकलीफ ही नहीं हुई, एंड दैट्स अ बिग कंसर्न। इस तरह से तो नहीं चलती मुझे तो चीजें बस वो यार। पहले 2-3 ओवर ही लगा मुझे कि चलो अभी ऐसा नहीं है कि बाहर निकलें, और उसी टाइम पे ईशान किशन का एक वो एज भी लग गया, तो तेरे हिसाब से जरूर लगता था वो एज पे कैच हो जाना चाहिए था या बहुत ही ज़्यादा तेज निकल गया? नहीं यार मैं ना 4 ओवर्स इनिशियली देखे नहीं, मैंने अच्छा आके तब से देखना स्टार्ट किया था जब से इन्होंने मारना स्टार्ट किया। हाँ, तो एक्चुअली पहले 2 ओवर तो फिर भी थोड़ा सा सहमा हुआ स्टार्ट था, और फिर वो ईशान किशन एक बार ही खुल गया तो फिर रोका ही नहीं उसने, उसने मतलब लिटरली मोहम्मद सिराज को तो नेट बॉलर की तरह ट्रीट करा। अबे सभी को मतलब वो वहां तो मैं आ गया था, तो पहले वो रोहित ने 6 मारा जो पीछे फाइन लेग पे गया था एक लंबा छक्का, उसके बाद ईशान तो एकदम अलग ही हो गया कि भाई भैया रोहित भैया आपने 6 मारा देखो अब मेरे छक्के देखो आप, 6-4-6 इसी तरह से उसका चल रहा था। मतलब क्या क्या ही यार, जबरदस्त एकदम
हैदराबादी भैया ने दोबारा बोला, मुझे लगता है कि आई एम नाउ अ सेंट, विल इट मेक अ डिफरेंस बाय डिटेस्टिंग देम और क्रिटिसाइजिंग देम इफ दे रिपीट मिस्टेक्स, बॉलर्स आर अ प्रॉब्लम फ्रॉम इटर्निटी, कोहली इज अ स्पाइन एंड ही कांट डू इट ऑल। यार बट तुम्हें मतलब टीम में प्लेयर्स तो बनाने पड़ेंगे, एंड आई एग्री कि बैंगलोर का सबसे वन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम इज दैट स्टेडियम जो उनका होम ग्राउंड है जहाँ पे बहुत रन पड़ते हैं, तो बॉलर्स का हमेशा से प्रॉब्लम रहेगा ही। बट फिर अब वो एक प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आ गई कि दिस इज द प्रॉब्लम, हाउ डू यू ओवरकम इट, एंड दैट इज द क्वेश्चन, डज द इज योर आंसर नाउ कि कम वॉट में आई हैव टू गेट बुमराह इन माई टीम, देन डू इट, देन मेक इट हैपन। मुंबई ले आया ना हार्दिक पांड्या को चाहिए था, तो बैंगलोर बुमराह को क्यों नहीं ला सकता, या तुम अपनी स्काउटिंग से नेक्स्ट बुमराह क्यों नहीं ढूंढ सकते हो, उसको 2-3 साल में प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकते हो? भाई तो स्काउटिंग की बात कर रहा है, मतलब 18 साल हो गया यार टूर्नामेंट को, 17 साल हो गया। हाँ, एक तू एक प्लेयर को स्क्रैच से उठा के बात कर रहा है कि इसको तुम लेके आओ और तुम इसको बनाओ। यू टेल मी इन द लास्ट 5 years हाउ मेनी प्लेयर्स हैव गॉट अ कंसिस्टेंट चांस, हाउ मेनी यंगस्टर्स हैव गॉट अ कंसिस्टेंट चांस इन बैंगलोर? आई थिंक मे बी वन, रजत पाटीदार, दैट्स इट। रजत पाटीदार का भी ये टेक्निकली दूसरा सीजन ही है उनके लिए। मैं वही कह रहा हूँ, लास्ट 5 साल में मोहम्मद सिराज एक मैं बोलूंगा यंगस्टर है जिनको थोड़ा इन्होंने लाइक इनके अंडर ही पला बड़ा है वो हैदराबाद पे, ठीक है चलो। ओके, टू प्लेयर्स अगर लास्ट 5 साल में तुम्हारे पास दो हैं, तो महिपाल लोमरोर और अनुज रावत को भी जो लास्ट 4-5 साल से तुम्हारे स्क्वाड का हिस्सा है, तुमने उनको अभी तक कंसिस्टेंट रन नहीं दिया है, तुम किसको दोगे यार? एटलीस्ट दीज टू गाइज शुड बी गिवन अ कंसिस्टेंट रन, उनका रोल क्लैरिटी होना चाहिए। लाइक बहुत फेटिशेस है कि पहले वो सुरेश प्रभुदेव बिछाई को बार बार खिलाते रहते थे, जो वो फेल 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 करे जा रहा था, लेकिन तब भी लोमरोर को चांस नहीं मिलता था। फिर वो शाहबाज अहमद को खिलाते जाते थे, फिर एक दिन क्या हुआ कि मयंक डागर तू आ जा, शाहबाज अहमद तू चला ही जा, तू हैदराबाद की टीम में लगा, ट्रेड ऑफ ट्रेड कर दिया उसको, और वो वहां जाके हर बारी प्लेइंग 11 में हो रहा है, इतना कंसिस्टेंटली वो आरसीबी के प्लेइंग 11 में भी पिक नहीं हुआ, नहीं हुआ था, उसका रोल क्लियर नहीं था वहां पे जाके, उसने विकेट भी निकाल ली है, 2 मैचेस में थोड़े रन भी बना लिए हैं। हाँ मतलब हमने वो भी बात करी थी कि आरसीबी में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर द्रविड़ और देवदत्त पाटीकल है, तो किसी ने पॉइंट आउट करा बट द्रविड़ 3 सीजन खेला है, देवदत्त 2 ही खेला, यही तो प्रॉब्लम है कि वो 2 सीजन खेला है देवदत्त, देवदत्त अभी तक खेल रहा है ना आईपीएल, चलो द्रविड़ का करियर तो खत्म हो रहा था मुझे समझ में आता है, बट द फैक्ट कि एक इंडियन प्लेयर के 7,500 रन है तुम्हारे लिए और दूसरे सेकेंड नंबर पर 1,000 भी नहीं है, इट जस्ट शोज कि तुमने इंडियन प्लेयर्स में इन्वेस्ट ही नहीं किया, जीरो इन्वेस्टमेंट, लिटरली जीरो इन्वेस्टमेंट, और यू डोंट फाइट फॉर देम, यू डोंट इंश्योर यू रिटेन देम, सीरियस मतलब आरसीबी डजंट डिजर्व द फैंस इट हैज, लाइक द फैंस नीड टू स्टार्ट लाइक प्रोटेस्टिंग, सरकार के अगेंस्ट करते हो ना वैसे ही आरसीबी टीम मैनेजमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने चाहिए। मेरे को लगता है ये डेलिबरेट प्लान है आरसीबी का, वो बोल रहे हैं कि ब्रो चल रही है ना इतने सालों से एक ही टैगलाइन ESCN, अगर जीत गए तो कुछ नया खोजना पड़ेगा, लेट्स नॉट डू इट, लेट्स नॉट क्रिएट मोर वर्क फॉर आवरसेल्फ, बेटर है अब हारते रहे, मतलब अच्छी खासी ब्रांडिंग हो रखी है उस नाम से, सीरियसली मतलब ओके आई नो कि हम हर बार आते हैं, हम सेम फ्रस्ट्रेशन के साथ आते हैं। आल्सो गाइस हिट द लाइक बटन यार, 600 से ऊपर लोग देख रहे हैं, 100 के नीचे लाइक क्यों है बदतमीजो, हाँ थोड़ा पाफूफो का अकाउंट लगाया मैंने, हम बार बार सेम टाइप के फ्रस्ट्रेशन के साथ आते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि इट्स टू लेट इन द गेम राइट नाउ, whatever had to happen had to happen in December, plus तुम अपने December के तुमने जो decision लिया तुम उसको भी back नहीं करते। Now I feel a lot of problem if you have picked Alzari for a lot of money and Alzari is not playing after 2 matches, या तो तुमने वो सोच के pick नहीं किया था या तुम्हारा confidence इतना जल्दी तो नहीं गिरना चाहिए ना bro, उसको मौका तो दो फिर, जब हर कोई मार खा रहा है तो उसको एक role clarity दो, उसको एक मौका दो, चेंजेस करते थे, रीस्टॉपली पहले बैठा था तो पहले मतलब ही वाज अ पार्ट ऑफ स्क्वाड, अलजारी को पिक किया था ड्यूरिंग द ऑक्शंस, नाउ ये दे स्टार्टेड विद अलजारी जो सब दो मैच के बाद बोला कि यार रीस्टॉपली इस बार गए, रीस्टॉपली आ गया, अब थोड़े दिन में देखना 2-3 मैच में रीस्टॉपली ड्रॉप हो जाएगा फिर अलजारी आ जाएगा, कहा है ये म्यूजिकल चेयर खेल रहे हो प्लेयर्स के साथ, क्यों जाके तुम कोर ऑफ द प्रॉब्लम को अटैक नहीं कर सकते, या ये रियलाइज करो कि ओके The season is probably over for us right now. Yeah, we will not expect कि हम लोग playoffs पे पहुंचे. How do we build a great team with this? The way Gujarat did yesterday. एक एक plan के साथ आए,
एक प्लान के साथ चले और फाइनली जीत गए। यहाँ पे प्लान वही है कि चलो बल्ला घुमाते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक पहुंचते हैं, उसके बाद बॉलर्स अगर बचा पाएंगे तो बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे तो कोई बात, बोल देंगे कि बॉलिंग तो खराब ही है हमारी ऑलरेडी। हाँ यार, मतलब मैं अगर अभी बैंगलोर का मैनेजमेंट होता तो मेरा तो अब ये हो जाता कि फैफ, मैक्सवेल, ग्रीन, कोई फॉरेन प्लेयर नहीं है, मैं 11 के 11 हिंदुस्तानी खिलाऊंगा, हिंदुस्तानी खिला दो भाई, और सच्ची मैं ये बोल रहा देख हूँ। रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर के लिए या उसके अगले ईयर के लिए हम किसको कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ साल पहले की बात है जब धोनी जी ने ऋतुराज के लिए बोल दिया था कि यंगस्टर्स डिड नॉट शो अ स्पार्क दैट वी वर एक्सपेक्टिंग ऑफ देम, एंड अब वो बंदा कैप्टन बन चुका है उस टीम का, करेक्ट, आरसीबी का है ही नहीं भाई। हाँ कोई कोई उनमें उनको स्पार्क दिखेगा भी नहीं किसी के अंदर, क्योंकि तुम इतना थॉट मौका ही नहीं दे प्रोसेस रहे नहीं कि है। स्पार्क हाँ, दिखे। और मतलब इंडिविजुअल प्लेयर्स को उठा के क्या क्या बात कर रहे हैं यार हम। लोन बैटमैन जी ने बोला, अंगद भाई थिंकिंग इज स्पॉट ऑन, मैनेजमेंट डज नॉट हैव द हंगर टू विन अ ट्रॉफी, इट इज नॉट विजिबल इन द ऑप्शन इन टीम चेंजेस स्काउटिंग, ट्रू। अक्षय जी ने बोला, आरसीबी डीसी फॉर सईद मुश्ताक टू क्वालिफाई फॉर आईपीएल 2025। मनन भाई ने बोला है काइंड ऑफ बैफलिंग कि आज ग्रीन डिडंट प्ले, ग्रीन का कुछ उन्होंने अनाउंस करा इंजरी का? आई डोंट थिंक इंजर्ड था वो, विल जैक्स अंदर आया तो इसलिए वो बाहर गया शायद, ऐसे अनाउंसमेंट तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ था। बट बट अगेन यू, तुमने अपना 17.5 करोड़ का पर्स ब्लॉक कर दिया उस बंदे के लिए, एंड बाय द हाँ 5th 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 5 मैचेस खेला, छठे में ही इज आउट। या ही इज आउट, एंड अगेन जब भी खेला है वो एक एक डिफरेंट ऑर्डर पे खेला है। ठीक है यार, कैमरन ग्रीन लास्ट टाइम मुंबई के लिए ऊपर आके उसने बढ़िया परफॉर्म करना स्टार्ट किया था। आई वुड हैव स्टार्टेड विद कैमरन ग्रीन एट नंबर 3 या मे बी ओपनिंग। तुम उसको क्यों ऊपर नीचे कर रहे हो यार? और हाँ, वो बंदा क्रिटिकल है तुम्हारे लिए, वो वाइटल कॉग है, तुम खिलाओ ना उसको यार, एक एक 3 नंबर पे खिलाओ या ओपनिंग करने पे खिलाओ, और बोलो कि ठीक है भाई तेरे पास 8 मैचेस है, यहाँ पे 8 मैचेस तक नहीं छेड़ेंगे, और 8 मैचेस में वो आ जाएगा फॉर्म। नाउ द बिगर प्रॉब्लम इज कि ऑन ग्राउंड लाइक वानखेड़े, उसका लास्ट ईयर का होम ग्राउंड जहां उसने रन मारे थे, लाइक जहां पे ना वो एक एक कंफर्टेबल वाला फैक्टर आता है, उनको पता होता है कि कैसे कहते हैं पीपल, व्हाई आर पीपल ड्रॉप, महिपाल ओम रोड जयपुर में ड्रॉप हो गया, कैमरन हाँ दिल्ली जाएंगे तो ग्रीन कोहली यहाँ को ड्रॉप ड्रॉप हो कर गया देंगे कि रहने दे, तू होम दिल्ली। ग्राउंड में थोड़ा खेलेगा। हाँ आई डोंट नो डूड, लाइक पर चल फ्रस्ट्रेशन से हटते हैं, एक एक बहुत ही मैं, तगड़ा किसी ने इवेंट हुआ लिखा भी है आज। कि आई एम साउंडिंग डिसअपॉइंटेड, आई एम, प्लस मेरा थोड़ा, माई थ्रोट इज अ बिट टायर्ड दो, नहीं नहीं मैं ही इज डिसअपॉइंटेड गाइस, नहीं वो तो थ्रोट है इज ही, नॉट बट टायर्ड। पता नहीं, मैं आज किसी और को भी बोला तो देंगे नहीं तेरी आवाज़ तो ठीक लग रही है बट मेरे को गले में बहुत दर्द हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा चिल्ला रही हूँ। हाँ, हो सकता है यश माथुर जी ने बोला, बिफोर द टीम द मैनेजमेंट नीड्स टू सीरियसली चेंज, नो प्लान्स, नो एग्जीक्यूशन, जस्ट प्लेइंग एनी प्लेयर ब्लाइंडली। या बोलो। मैं कह रहा हूँ, आज एक इवेंट हुआ जो हेलीज कॉमेट से भी ज्यादा रेयर है। पता है क्या तुम्हें क्या हुआ आज? बैंगलोर की तो पूरी बैटिंग देखी ना तुमने, हेलीज कॉमेट से भी ज़्यादा रेयर? मतलब जस्ट थोड़ा एग्जैजरेशन है हाँ बट हाँ काफी समझ रेयर गया, इवेंट पता नहीं क्या कि, भैया। अरे डी क्या है मैं समझ गया, यार कि दिनेश कार्तिक 12वें ओवर पे आ गया, यही है। भाई साहब, मैं देख के ऐसा हैरान था कि ये क्या हो गया यार, हाँ इसने परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन ये कैसे छोड़ हाँ दिया दिनेश कार्तिक ने, हाउ कम, लुक एट द रिजल्ट। या 50। मतलब देख भाई वो देखते हैं बेबी और की स्ट्रीम, बता रहा हूँ बड़ा सा एक स्क्रीन लगा हुआ है कम से नहीं कम भाई, 150 इंच सारे का। चेंजेस है, महिपाल लोमरोर वापस आया, वैशाख वापस आया, विल जैक्स की बात, वो आई थिंक चैट को भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, चैट पे अपने विल जैक्स की बात तो मैंने नहीं छेड़ी थी बट उसको भी ले आया। मतलब 150 इंच का स्क्रीन लगा के और देख रहे हैं कि कमेंट क्या चल रहे हैं, बात क्या हो रही है, सब कुछ करके, और फिर एक बंदा भाग के जाता है एकदम कि सर सर दिस दिस इज द, और दिस फिर इज द अच्छा ये लैंग्वेज। चेंज करना है यार। अरे भाई बॉलर का भी सुन लो यार प्लीज, बॉलर का तुम्हें वो बॉलर क्या लेके सुनेंगे, अब तो चेंज मतलब खरीदे ही नहीं अब तो, या तो इनका वो होना चाहिए कि जाके कौन 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 फॉरेन प्लेयर बैठे हुए हैं जो बैटर्स हैं इनके पास, नहीं बैटर होंगे नहीं ना, और यही लिए नहीं उन्होंने, नहीं नहीं अब तो इनका पास एक ही है वो कि मैक्सवेल को इंजर्ड कर दें और फिर उसकी जगह मैक्सवेल कोई को तो रिप्लेसमेंट में लेकर आए। निगल होना ही चाहिए, वैसे हजरंगा चला गया ना, आउट हो गया है,
उसकी जगह एक नया श्रीलंकन हाँ खिलाड़ी आ नया गया है, नया है, नया है तो जो अब कि हसरंगा को ले आओ। हाँ तुम इतना फनी होगा कि आसरंगा को छोड़ा और इवेंचुअली आसरंगा ही लेकर आए। हाँ, ब्रिलियंट मैन, ब्रिलियंट। बट करा चल तो है सच, ऐसे बहुत मान मान डिसीजन बैंगलोर ने लिए हुए। मुझे तो वो भी लगता है कि हाँ इसलिए सिराज अच्छा भी नहीं खेल रहा, क्योंकि सिराज को पता है कि ज़्यादा अच्छा खेलो तो तब भी रिटेन नहीं करते, हो सकता है। तो वो कन्फ्यूज़ कर रहा है कि तुम मुझे रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो। शुभम कह रहा है हु विल विन इन डीसी वर्सेस आरसीबी अकॉर्डिंग टू यू गाइस। आई एक्चुअली फील इफ इट हैपन्स इन बैंगलोर डीसी विल विन, इफ इट हैपन्स इन फिरोशा कोटला आई फील डीसी विल विन, दैट बॉलिंग इज़ वेरी वीक यार। डीसी ने भी वो चेंज कर देंगे, नॉर्के नहीं खेलेगा अगला मैच, रिचर्डसन आ जाएगा या लिजर्ड विलियम्स को ले आएंगे, ये फ्लाइट से उतार के सीधा ही बॉल देंगे, कहेंगे भाग बेटा। मेरे हिसाब से आरसीबी जीतेगा, और वो तभी जीतेगा जब कोहली एक लंबी इनिंग्स खेलेगा। स्ट्राइक रेट एग्नोस्टिक इनिंग्स, प्लीज मत बोलना ना, कोहली सो इम्पोर्टेंट भाई, कि वो जब लंबा खेलता है तो तुम्हारे रन बनते हैं। यही आज कोहली खेल रहा होता और साथ में ये परफॉर्मेंसेस आए होते, दे वुड हैव इजीली पुट अप 220 230 का स्कोर। I disagree a little bit. यू डिसएग्री? कोई बात नहीं, इट्स ओके अंगद। आई एम बरवा बिगेस्ट फैन लिख रहा है भाई, वुमेन आरसीबी बॉलर को लाओ। हाँ हाँ वही यार, मैं, मैं देख ही रहा था कल वो वहाँ पे दिल बोले स्काउटिंग फिर भी अड़िप्पा, बेटर थी यहाँ से, तो वहाँ एटलीस्ट दिल बोले लोकल यार। टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। आशा को लेकर आए थे, श्रियंका पाटिल इन्होंने बढ़िया फाइन ढूंढा, हाँ एक्चुअली वो एक कनिका आहूजा भी थी ना वो इस यार, साल नहीं खेली ना पिछले साल इस साल थी। नहीं, आई थिंक इंजर्ड थी इस साल, पिछले हाँ साल वो एक वन ऑफ द फाइंड्स थी बस जब श्रियंका पाटिल आरसीबी। एंड आशा, और इवेंचुअली तो मतलब जब ये उधर पहुंचे तो वहां तो स्पिनर्स ने जादू फैलाया दिल्ली में जो या इंडोर या मैचेस में। ट्रू 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 ट्रू, बट कैन एलिस पेरी मेक इट इंस्टेड ऑफ मैक्सवेल? व्हाट डू यू फील? आई थिंक दैट्स द ओनली होप या शी कैन। बैंगलोर के पास। बोलो अच्छा भास्कर चल, जी, मुंबई की थोड़ी बात कर ले भाई, बढ़िया तो वो लड़के भी खेले। मेरे मैंने बैटिंग देखी नहीं, तू ही कर। सूर्य कुमार यादव ने तो वीडियो गेम वाली इनिंग खेल दी दोबारा, भाई वो तो क्या ही वो तो जब खेलता उसकी है। मैंने 50 वाला सेलिब्रेशन देखा तो मुझे ऐसे लगा पसीना भी नहीं आया स्काई को, लाइक इतना इजी था। 13-14-15 बॉल में तो उसकी 50 बन गई थी, हाँ कहाँ से पसीना आएगा भाई? और वो अच्छा हर, तो 15 तो उसके फास्टेस्ट 50 होगी इस सीजन की, 16 थी ना इससे पहले अभिषेक की। मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने में बनाई, लेकिन वो इसी इसी रेंज में बनाई थी उसने 50। बहुत ही मतलब बिल्कुल वो वीडियो गेम वाली इनिंग्स की, पहले पिक करता है कि बॉल मारनी कहाँ है और उसके बाद वो 17 शॉट खेलता है, और फिर भी वो चौका है छक्का जाता है। 300 के स्ट्राइक रेट पे वो आराम से खेल रहा था पूरी थ्रू आउट इज इनिंग्स, और वो आउट भी हुआ तो मतलब वो फुल टॉस ही थी जो सिक्स जाना चाहिए था। स्काई से बढ़िया बॉलों को बाहर मार देता है, एंड इट लाइक डायरेक्टली वेंट टू हैंड, एंड ही वाज अ लिटिल अनलकी। बट भाई आज कोई रुका ही नहीं उनका आज। आई थिंक स्लोएस्ट वुड हैव बीन रोहित शर्मा स्ट्राइक रेट द वाइज स्ट्राइक रेट वाइज, भाई, एंड ही वाज आज तो मुझे आल्सो वो वाला मैच लगा जो 2014 में एमआई ने आरआर के अगेंस्ट खेला था आरआर ना, को मैंने हराया कहा क्या था। इनको दोबारा बोला गया है कि 14.2 ओवर्स पे चेस कर रहा है। अबे वो मतलब तो 250 बोल रहा था, या 250 भी सेफ नहीं हाँ था? नहीं, मतलब जिस तरह से खेल गए, बट वो तेरे को पता है 250 बनते हैं तो प्रेशर अलग भी आता है। मतलब मुंबई इंडियंस अब पंजाब के भी ऊपर चला गया बिकॉज ऑफ द नेट रन रेट, एंड नाउ इट इज नॉट लुकिंग बैड, क्योंकि तुमने 5 मैचेस से 4 पॉइंट कमा लिए। हाँ भाई, वो उनका एक कमबैक तो हो ही गया है, वो टिपिंग पॉइंट था कि उससे नीचे वो जा ही नहीं सकते थे। एंड टुडे एवरी बैट्समैन हैड इंटेंट। पहले रोहित स्टार्टेड रियली वेल, ईशान वाज ब्रिलियंट, फिर आया सूर्या, सूर्या तो वीडियो गेम इनिंग्स, हार्दिक पांड्या जी भी हार्दिक भी आके जोश फर्स्ट में आया बॉल था। सिक्स, और फिर एंड भी उसने जो जिस तरह से उसने एंड किया, मतलब भाई ये इसका टच वापस आ गया है, एंड एंड वी नीड दिस गाय ओनली। हाँ नहीं वो एंड एंड उन्होंने वो सब चीज़ें फिक्स कर दी हैं, ओवर्स वो अब ठीक से असाइन हो रहे हैं। मोहम्मद नबी का पहले छोड़ो, बट लाइक ओवर्स बेटर हैं, हार्दिक पांड्या को मिडल ओवर्स में डालना चाहिए। सो आई फील लाइक दे हैव गॉट देयर स्ट्रैटेजी इन प्लेस, एंड आई फील हार्दिक नंबर 4 पे इज़ अ बेटर चॉइस देन हार्दिक कमिंग एट 5-6। तो या चार उन्होंने, डेफिनेटली हाँ उन्होंने डिसीजंस काफ़ी सही ले लिए हैं, मेरे को ऐसा लगता हाँ। और एंड लुक एट द गाइज हु आर सिटिंग इन द डगआउट स्टिल, है। द टिम डेविड्स एंड मतलब व्हाट नॉट डूड। नेहल वडेरा को चांस नहीं मिल रहा। हाँ बेचारा वो खेल ही नहीं पा रहा है इस चक्कर में। हाँ
चल एनीथिंग एल्स भास्कर, मेरे पास तो मतलब आज के मैच पे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बस एक अफसोस है, दुख है मेरे गले का, जितना बुरा हाल है उतना ही आरसीबी का है। आई थिंक आरसीबी का ज्यादा बुरा हाल है। तू कम से कम बोल तो पा रहा है, आरसीबी तो अभी रो रहे होंगे लेकिन बोल ही नहीं पा रहे होंगे शायद। आरसीबी बना रहा है, अभी भी बना रहा है वो बैठ के अपनी ड्रेसिंग रूम में, हमारी कॉन्वर्सेशंस की वो आ रही हैं सारी यूट्यूब पे, मतलब ये बनाते रहते हैं ना सारे कि ड्रेसिंग रूम में बैठ के क्या कॉन्वर्सेशन हुआ, क्या टॉक हुआ, वो वीडियो डाल देते हैं ना। यार मुंबई ने तो डाले देख, थे क्योंकि सचिन तेंदुलकर का भी एक टॉक डाला था और आई थिंक रोहित शर्मा का भी डाला था, उन्होंने शायद MITV या जो भी बना दिया देख यार वो तो आएगा ही ना, मतलब बिकॉज है तो है। तो अल्टीमेटली हाँ, सोशल मीडिया है तो कंपनी। एंड में सोशल मीडिया कंपनी। हाँ भाई, अब दानिश सेठ को सुबह काम मिल जाएगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और वहां पे थोड़ा सा ट्रोल करेगा, भाई रोस्ट मुझे याद करेगा। है हम जब सालों पहले वो करते थे, काफ़ी साल हो गए उस बात को, जब कैप्टन मॉर्गन के लिए EIC सोशल मीडिया काम करता था, तो हमें हर मैच के बाद ना एक वो छोटा सा ऐसे स्निपेट बनाना होता था कि कैप्टन के साथ बातें हो रही हैं, और हमारा एक लड़का था ही वॉज़ वेरी गुड विद पंज एंड ऑल, तो वो स्क्रिप्ट लिखता था, फटाफट एनिमेट होके आती थी भाई। मतलब ये हो गया था कि पहले तो चलो जीते लिखे, फिर जब हारने शुरू हुए इवेंचुअली ब्रांड ने ही हमें एक दो बारी बोल दिया कि नहीं यार आज तो नहीं बनाते, जरा आज वाला मैच होता ना तो आज वाले हाँ मैच में ब्रांड बोल देता अच्छा रहने देता यार, आज तो कुछ भी डालेंगे गाली ही मिलनी है। बट यार आरसीबी जैसा सोशल मीडिया कंपनी काफी इवॉल्व कर गई है। आई एम श्योर कल कम से कम 2 से 3 स्टिपेट्स तो आ ही जाएंगे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब फर्क भी नहीं पड़ता ना उनको कि हारना ही तो है, हारना तो हर साल का है। कब तक हम कंटेंट नहीं बनाएंगे इस चक्कर में भाई बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट साहब। फॉर द कॉन्टेंट टीम, आई कैन टेल यू। अब उनसे ठीक है ज़्यादा कैमरन, मतलब फ्रस्ट्रेटेड कोई नहीं बैठा होगा, ये क्या बनाया इसमें से अब। कैमरन ग्रीन को आज वहीं बैठा देंगे कि 7.5 7.75 करोड़ तेरे यही वसूल होंगे ब्रो, तू चुपचाप बैठ के कंटेंट बना। बेचारा पेज ऐप के ऐड में आके बोल रहा है कि कोई भी QR कोड स्कैन कर लो। यहाँ उसे वसूल करा रहे हैं पैसे भाई। चल एनीथिंग एल्स भास्कर। नहीं यार, मतलब एंड यही है कि मुंबई वर टू गुड, बुमरा वाज अमेजिंग, ऑसम, भाई खेला ही नहीं बुमराह, जा रहा था आई किसी थिंक से। बुमराह ने आज तक कोई पर्पल कैप नहीं जीती है, और ये सीज़न बस चलता रहा ऐसे तो माशाल्लाह मिल जाएगी। भाई साहब क्या खेला, बैट्समैन बहुत जबरदस्त खेले, किसी में कोई कमी नहीं निकाल सकते कि यार इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों मतलब मुझे किया। ऐसा लगता है बुमरा कि दे वुड एक्सपेक्ट कोटजी टू बी अ लिटल मोर इकोनॉमिकल, लाइक जितने भी मैचेस हुए हैं। ठीक है, मतलब अगेन वही बात हो जाती है ना कि एक बॉलर को तो टारगेट होगा ही, और ऐसा भी बहुत बुरा नहीं है कि वो 20 25 से पिटवा रहा है। ऑन दिस विकेट अगर कोई 10 12 से भी दे रहा है ना, तो मैं बोलूंगा कि हाँ ठीक है यार, इट्स ओके। तू जब तक 17 18 पे नहीं जा रहा, मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, बिकॉज द विकेट वॉज वेरी इजी। एंड अनीश वही अनीश ने लिखा हमारा लड़का पन लिखता था, मस्त वन लाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ साहिल, नहीं नहीं साहिल नहीं था यार, साहिल तो क्रिकेट ही नहीं देखता, तो क्रिकेट मैच तो देखना पड़ेगा ना बेचारे बंदे को पन लिखने के लिए। बोल बोल, कहाँ था मैं? तू बोल रहा था कि हाँ 17 18 पे नहीं जा रहा, 10 12 पे है हाँ तेरे अब। तो इट्स ओके, जेरार्ड कोटजे इतना इशू नहीं है। आई थिंक कम से कम तेज आके भागता है, बोलिंग करता है अच्छे से, जान लगाता है, वो सब कर रहा है, दैट इज इन राइट प्लेस। ऐसा नहीं है कि उसको भी रिटेन नहीं होना, लाइक सिराज और कुछ भी फेंके जा रहा है। तीन फ्लॉलेस था फॉरेन प्लेयर आज। के साथ खेल रहे हैं ना ये तो, रोमारियो, रोमारियो भी 2 ओवर डाल के ही है, दो या हाँ तीन ओवर, और टिम डेविड, तीन तीन फॉरेन प्लेयर है ना। हाँ तीन तीन फॉरेन प्लेयर है भाई, इन्हें इन्हें जरूरत नहीं है यार, इनका हाँ एक एक आधा आई नहीं नहीं थिंक। सॉरी, मोहम्मद नबी भी खेल रहा था, 4 है इनके। अच्छा 4 है, सोच मोहम्मद आबिद की बैटिंग ही नहीं आई तो क्या क्या जबरदस्त लाइनअप है इन लोग का। नहीं आई देर होप फाइनली फिगर्ड देयर, आई थिंक शेपर्ड हैज़ आउट परफॉर्म्ड फ्रॉम माई इमेजिनेशन, तो ऑलरेडी शेपर्ड ने बड़ा क्रूशल दिल्ली वाला मैच, आई थिंक शेपर्ड की इनिंग नहीं आई होती तो शायद टाइट फंस सकता था। हाँ, रिक शेफर्ड ने तो, और उसको खुद को बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा ना उस इनिंग के बाद कि हाँ अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्लस उस इस लाइनअप को भी कॉन्फिडेंस मिला होगा कि चल नीचे एक रोमारियो शेफर्ड बैठा है, अगर हम कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो टिम डेविड रोमारियो शेफर्ड देख लेंगे, दैट्स अबे और ओके। सोच उसके बाद मोहम्मद नबी आना है, और ये अगर श्रेयस गोपाल को रखते हैं तो श्रेयस गोपाल भी इज़ अ गुड स्विंगर ऑफ द बैट, एंड बुमराह तो मतलब हमें पता ही है लेजेंड है, वो तो 34 रन टेस्ट क्रिकेट में उसने एक ओवर में मारे हैं।
ब्रिलियंट. बुमराह तो खैर आई थिंक केकेआर वेकेआर के साथ आई आएगा थिंक कि बुमराह इज द सर्विस. ओनली प्लेयर हु कैन विन पर्पल एंड ऑरेंज कैप. दैट्स सो ट्रू. या एंड आई थिंक बुमराह पूरी तैयारी कर रहा होगा. कल सुबह बोले बॉलिंग तो देखो ये कोई खेल नहीं पा रहा है, मैं बैटिंग की प्रैक्टिस ही बैटिंग कर में लेता थोड़ी हूँ. मेहनत कर लेता हूँ. गाइज चल भास्कर खत्म कर दे. प्लीज जाने से पहले स्ट्रीम को लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना. क्विनियंस खेलते रहना बिकॉज कल एक लीग खत्म हो रही है, तो जितने भी विनर्स हैं उस लीग के खत्म होने के बाद ही डिसाइड होते हैं. सो प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स, प्ले गुड स्ट्रैटेजी के साथ खेलो, और मिलते हैं फिर. मिलते हैं नहीं कल हम नहीं मिल रहे हम. हाँ कल नहीं मिल पाएंगे हम. सैटरडे रात को मिलेंगे दोस्तों. चलो सैटरडे रात मिल लेंगे. गाइस तुम्हारे पास टाइम है, अच्छे से टाइम लगा के क्विनियंस खेलना. चलो बाय बाय. गुड नाइट. टेक बाय. केयर. स्वीट ड्रीम्स.